आज हम लोग बनाएंगे पनीर की बहुत ही फेमस डिश जिसका नाम है पालक पनीर। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पालक पनीर बनाने के लिए हम लेंगे 500 ग्राम पालक। ये मैंने पालक को अच्छे से साफ कर लिया है और उसे धोकर कढ़ाई में डाल दिया। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे 2 लीटर। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो अब इसे उबाल लें और हमें थोड़ी देर के लिए उबालना है, 5 से 6 मिनट के लिए, नहीं तो पत्ते के कलर ख़राब हो जाएंगे। तो देखिए इसमें उबाल आ गया है। तो अब गैस के फ्लेम को ऑफ कर दें और इसे एक छन्नी में निकाल लें ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। तो देखिए एक बार इसे मिक्स कर लेंगे हम और अब हम इसे छन्नी में निकाल लेंगे। अब धीरे धीरे करके सभी पालक को छन्नी में निकाल लें। तो देखिए मैंने इसमें निकाल लिया है। तो अब इसे ठंडे पानी से एक बार धो लें। तो मैंने इसे ठंडे पानी में डाल दिया है और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो इसको मैंने ग्राइंडर जार में डाला है। अब हम इसे ग्राइंड करके एक पेस्ट बना लेंगे। तो देखिए मैंने एक पेस्ट बना लिया है और अब हम प्याज को डालेंगे इसमें। मैंने 4 से 5 प्याज लिए हैं, उसे ग्राइंड करेंगे। प्याज के साथ हमें 3 मिर्च लिए हैं और 15 से 20 लहसुन की कली ली है। तो अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो हमें दरदरा ही ग्राइंड करना है, हमें ज़्यादा पतला ग्राइंड नहीं करना है। तो अब हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया गैस पे। अब हम इसमें तेल डालेंगे। मैंने 3 से 4 टेबलस्पून तेल डाला है। अब हम इसमें लाल मिर्च, तेज़पत्ता और जीरा डालेंगे और अब हम 3 चुटकी हींग डाल देंगे इसमें। तो मैंने हींग को डाल दिया है इसमें। अब इसे थोड़ा सा मिक्स कर लें। तो मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है। तो अब हम लोग पेस्ट डाल देंगे, जो हम लोग ने प्याज, मिर्च और गार्लिक का पेस्ट बनाया था उसे डाल देंगे। तो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे थोड़ी देर के लिए पकाएं। तो इसे 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही पकने दें लो फ्लेम पर। मैंने पहले भी बताया कि लो फ्लेम पर सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। अब इसमें जिंजर पेस्ट डाल दें, मतलब अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून, 1 छोटी चम्मच। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें और देखिए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी डालेंगे। मैंने ग्रेट कर लिया था टोमेटो को, उसे मैंने डाल दिया है। अब इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो 5 से 6 मिनट मैंने पका लिया इसे। तो अब मैंने लिया हल्दी, हल्दी पाउडर मैंने 1 चम्मच लिया है, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच लिया है, धनिया पाउडर 2 चम्मच लिया है, जीरा पाउडर 1 टीस्पून लिया है और ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून और स्वाद के अनुसार नमक। हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले ना। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो देखिए मिक्स हो गया है। इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। अब हम इसे ढक कर पका लेंगे। तो ढक कर इसे 5 से 6 मिनट के लिए पका लें। अब ढक्कन हटा के देखिए पक चुका है अच्छे से। तो एक बार मिक्स कर लें इसे। तो फिर से एक से ढककर 2 से 3 मिनट के लिए पका लें। टमाटर को पकने में थोड़ा टाइम लगता है तो इसे अच्छे से पका लें। तो अब हम इसमें 1 टीस्पून घी डाल देंगे। घी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। मैंने इसमें घी डाल दिया है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें जो हम लोग ने पालक को प्यूरी बना के रखा था उसे डाल देंगे। मैंने इसमें डाल दिया है इसे। अब एक बार अच्छे से मिक्स कर ले। तो देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया अच्छे से। तो अब मिक्सिंग जार में थोड़ा सा पानी डाल के इसे इसमें मिला देंगे ताकि वेस्ट ना हो। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें।
अब हमें इसे थोड़ी देर के लिए पका लेना है ढक के। तो देखिए ढक के 5 से 6 मिनट के लिए मैंने पका लिया है इसे। अब एक बार मिक्स कर ले इसे, तो ये अच्छे से पक चुका है। तो अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। मैंने पनीर को छोटे छोटे क्यूब में कट करके लिया और मैंने 500 ग्राम ही पनीर लिया। अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले जेंटली ताकि ये टूटे ना। तो अब इसे ढक कर थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे हम लोग। तो 5 से 6 मिनट इसे पका ले ऐसे ही। तो अब ढक्कन हटाकर चेक कर ले, देखिए इतना अच्छा लग रहा है दिखने में भी। अब इसे ऐसे मिक्स कर ले थोड़ा सा। और अब हम 1 चम्मच मीट मसाला डाल देंगे इसमें। मैंने इसमें मीट मसाला डाल दिया है, आप चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, पर मीट मसाला का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे थोड़ी सी, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले। तो ये देखिए पालक पनीर बिल्कुल बन चुकी है, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।